पीडी होनी चाहिए, पेन ड्राइव हो या फिर मेमोरी कार्ड हो या सीडी, सब पे सीडी ड्राइव लगी हो। अब यहाँ आप देखो लैपटॉप किसी भी सिस्टम पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ही डिड पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड एमटेक फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेशलाइज्ड आर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वीडियो ऑन डिमांड एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। He has published several research papers in national and international journals. He has also involved in other academic activities organized by the different schools and universities. He is going to discuss the natural language processing. So welcome Dr. Nikhil Uyal sir. फ्रीली पूछिए। दिस टॉपिक इज ऑन कंप्यूटर साइंस, कुछ कंप्यूटर साइंस में भी सुना होगा, राइट? सो आई विल बिगिन विद, मैं क्या क्या कवर करूंगा, व्हाट आई विल कवर इन दिस टॉक एंड लिस्ट। आवाज दिया जी? ओके, राइट। बस कंप्यूटर साइंस क्या, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस एंड मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट डू आई थिंक अबाउट कंप्यूटर साइंस। हो सकता आप क्या सोचते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू लुक एट, सोचने का अलग तरीका। आप कुछ और सोचते हो, कुछ और सोचता हूँ। व्हिच प्रोबब्ली कुड नॉट हैव बीन सॉल्व हैड देयर नॉट बीन कंप्यूटर, दैट इज, ये मैं कह रहा था, कंप्यूटर आने से उसमें काफी प्रोग्रेस उनको सॉल्व करने में हुई, इसलिए हम कहते हैं इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? एंड ये मैंने पिक्चर्स क्यों दिखाई है, बिकॉज ये अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करती है। लॉट ऑफ एरिया, बहुत सारे एरिया है कंप्यूटर साइंस के जो जिनमें बहुत सारा काम होना बहुत यूजफुल है। मैंने यहाँ पर वही लिस्ट की, और भी हो सकती है, पूरा एग्जॉस्टिव मैंने नहीं कि सारी लिस्ट कर दी है, और ऐसा नहीं है, राइट? ये मैंने पूछी कि इसमें जिनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा यूज है, अगर हम इसमें आगे रिसर्च करें और काम करें, राइट? जैसे मैंने पहला लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, राइट? इंटेलिजेंस का मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं? मुश्किल है ना डिफाइन करना, या नहीं है? समझते समय लेकिन डिफाइन करना मुश्किल है इंटेलिजेंस को। फिर भी आईक्यू टेस्ट तो होता है, होता है? किसने कराया ना, कभी नहीं कराया, राइट? लेकिन ऐसा देखो पहले तो बात यह है कि गंजापन बरसातों का बीमारी है या नहीं, आप ये सवाल पूछे, राइट? अब ये तो कोई डॉक्टर बताता है, बायोलॉजिस्ट बताता है गंजापन, मेरे हिसाब से गंजापन जो मुझे गंजापन कोई ऐसा हेरिडिटी है नहीं कि वो बरसातों होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं जो बात करूँ, मेरा अगर गंजापन किसी जीन के गड़बड़ होने से अगर हो रहा हो, अगर वो जीन को पता कर ले कि जीन से गड़बड़ हो रहा हो और उस जीन को रिप्लेस करते सही जीन से, तो गंजे बनना ठीक हो जाता नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। जीन थेरेपी की जो समस्याएं हैं मल्टीफोल्डेड है, ये जीन रिप्लेस करने की बात नहीं कि एक जीन बहुत सारे दूसरे जीन के साथ मिल उसकी वजह है। अभी मैंने कहा ना इस एरिया में एक टावर होगा, तो जब मैं मोबाइल से भेजता हूँ तो उस टावर पर जाता है, टावर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा होगा तो जो मैं उनको समझा रहा था, क्योंकि मोबाइल तो बैटरी पर चलता है, बैटरी पर कितनी पावर होती है, कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट भाती पर, राइट? इतनी कम तो इस पर पावर है, फिर उसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पावर कितनी पावर लगा पाएगी आप? अगर 6 वोल्ट की बैटरी एक ही टाइम में लगाते हैं तो बैटरी आप तुरंत 1 मिनट के बाद चार्ज कर लेते हैं, इसलिए आप ट्रांसमिटिंग पावर लगाते हैं बहुत कम पावर लगाते हैं, 10 मिलीवॉट एक बार देते हैं। जब आपने 10 मिलीवॉट लगाई तो कितनी दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, क्योंकि मैंने कहा वो घटता है डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से, तो
इतने वो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस पे जाते हैं, तो यार टावर जो है ना 5 किलोमीटर की रेंज होना चाहिए, तभी मैं मोबाइल का सिग्नल टावर तक जाए। टावर को तो आप बहुत पावर दे सकते हो लाइन को, लेकिन मोबाइल को नहीं दे सकते। मोबाइल बैटरी पे चलता है, मोबाइल के पास कम पावर है, इसलिए सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए कम पावर लगाया ना। अगर ट्रांसमिशन की पावर कम होगी तो पावर घटते घटते रिसीवर पर कम हो जाएगी, अब इतनी कम हो जाए कि हमें कुछ, जैसे आप एक इम्पोर्टेंट चीज बता अनुराग मंसा डीएन इंटर कॉलेज गुलामटी, विश्वास सिंह डीएन इंटर कॉलेज गुलामटी, साहेब साईबी डीएन इंटर कॉलेज गुलामटी, अभिषेक उपाध्याय डीएन इंटर कॉलेज गुलामटी, अक्षय सैनी डीएन इंटर कॉलेज, रवि कुमार पटेल ज्ञान प्रतीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलिया, सरदार जनार्दन इंटर कॉलेज गाजीपुर, सुमित यादव जनता जनार्दन इंटर कॉलेज गाजीपुर, कुलदीप कुमार भारती जनता जनार्दन इंटर कॉलेज, कुशाग्र बहाल केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद, अनिल यादव महाबोधि इंटर कॉलेज वाराणसी, आकाश भारद्वाज महाबोधि इंटर कॉलेज, विकास कुमार महाबोधि इंटर कॉलेज, प्रीति सिसोदिया विजेंद्र आदर्श बाल इंटर कॉलेज हापुड़, अमन कुमार गोयल विजेंद्र आदर्श बाल इंटर कॉलेज हापुड़, राजेश परवीर यादव, राकेश सुरेंद्र भारती, सिद्धार्थ परवीर यादव, सिद्धार्थ संतोष कुमार गुप्ता, तौसिर अंसारी, धनंजय कुमार, नवीन कुमार, संतोष विकास जायसवाल, अजीत यादव, मयंक कुमार लाल, श्री कृष्णा जी, बलवान सिंह यादव, अमित यादव, कृष्णानंद वर्मा, बलवान अमित कृष्णानंद, अनूप उपाध्याय, आदित्य कुमार, विवेकानंद बिंद, सुधीर कुमार कश्यप, आदित्य कुमार, सुधीर कुमार कश्यप, इरफान असगर, विपिन पांडे, सभी को सामने कवर किया एक पेपर है। तो
तो उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया है यहाँ पे, और ऑलरेडी आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हम उस सिचुएशन पे हैं कि आपको वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जब भी हम बात करते हैं इनोवेशन की, बहुत सारे लोगों ने बात की, अभी आपके डीआरडीओ के साइंटिस्ट कल परसों बोल रहे थे, हमने सुना डॉक्टर पंचाल कि आपको कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए। जो थ्योरी बुक के अंदर है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, वो सबको पता है, उसके आगे हमें सोचना है, उसके आगे हमें कुछ करना है। तो सबसे पहली चीज होती है इनोवेशन। किसी भी चीज को जब भी आप शुरू करते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इंजीनियरिंग में हो, हर जगह पे ये मंगा के अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले में लाएंगे, जो भी आइडियाज आपके क्रिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट पे आपका कंप्लीट प्रोफाइल, और अगर वो फर्दर आगे भी कन्वर्ट होता है तो आपको उससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ ना कुछ उससे एसोसिएटेड भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये प्रयास हमने किया है, और जैसा कहा गया था कि आप इसको अगर यूज करेंगे तो हमें लगता है कि आप, और हम 1985 एंड पीएचडी इन 1990 रिसीव्ड हिज एफआरडीएम फ्रॉम सीएलआरएस फ्रांस इन 1995। ही इज जॉइंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इन 1991 एज साइंटिस्ट बी, presently holding the position of scientist E at Center for Material for Electronics Technology, CMAT, Department of Information Technology, Government of India, Hyderabad. He is heading high and nano pure electronic and energy material division. He has more than 21 years of experience and expertise in the areas of nano pure electronic and energy material, covering select gallium arsenide, indium phosphide, silicon, zinc oxide materials, purification, processing, glass clean packaging, and solar energy system technology. He has 67 publications, 7 review reports, 4 technology development reports, 2 patents to his credit. He has attended more than 120 national, international conferences, workshops, schools, tutorials, and training programs, and presented papers and talks. He has delivered about 63 invited lectures and talks and chaired about 20 technical sessions in international and national conferences, workshops, school and tutorials. He is going to discuss about advanced electronic materials. So, I would like to invite Dr. Vian Mani on dais. Next Thank you very much, madam, for your nice introduction. DST Inspire program. This is my 26th DST Inspire program I am attending. It's a special one after Silver Jubilee. Once again, I thank the organizers for the wonderful opportunity. I wrote down. For materials for electronics technology. We work for space and defense organizations. Most of the people are Hindi or English? Hindi. Yes, sir. Very interesting. Who is our English medium student, bright student here? 3 years. There will be ups and downs. There will be success and failures. In scientist life, engineer life, professor life. There are advantages, benefits, if you take up science subject, engineering subject, even like somebody can help me in operating the electronics technology, information technology, computer technology. Remember, this world as a global village. If you have stuff, quality, premium, you can survive, grow, achieve anywhere. We need not be worried about color, height, race. So I am not having inferiority complex. At the same time, I am not having superiority complex also. So nothing to worry. Now world has changed. Technology has changed this kind of maybe world. So next madam. See,
information technology, computer technology, electronics technology has really made variety of changes. That's why human being, we are enjoying variety of advanced gadgets starting from TV to computer to mobile and internet. So electronics technology, materials technology, science and technology really playing a dominant role. So it is really helpful to us to have variety of gadgets we are enjoying the life. So earlier golden days, postal letters, telegraphs, now everything has been changed to email or mobile. Next point. Information age we used to call, which has radically revolutionized the human comforts. See, our Indian students are, see, we are not this physicists who studied Presidency College Chennai. I also did my MSc, BSc in Presidency College Chennai. On a cloudless day, on a sunny day, why sky color is blue? Sir C. V. Raman found out the reason. In white light, there are seven colors with gear. Blue wavelength scatters too much distance, that's why sky color is blue. Not today. Cloudless color, sky color is blue. He found out the reason. He discovered, invented the equipment, he got the Nobel Prize, he's an Indian scientist. But then, Raman spectrometer is an equipment based on Raman effect. Raman spectrometer is a useful equipment used in chemical industry to know the molecular structure of chemical and purity of the chemical. Sachin Raman never used import. Nobody manufactures Raman spectrometer. That effect was invented by Indian. He got the Nobel Prize. In Western country, by the harvest you reap, but the seeds that you have planted. So,
request Dr. B.K. Gupta, advisor of RKG Group of Institutions, for the welcome address. Respected chief guest, participants of the camp, faculty, students, director, RKGEC, we are very happy that we have today amongst us Professor Day. Although I know, but Professor Day is not new to our college in the sense he is a member of the governing board of this college. So in both the capacity as the chief guest today of this function and our honorable member of the member board of governors, I welcome you, sir. He has come all the way from Patna to attend this function and bless us all. It takes 3 days coming, going on, so you can imagine that how much importance is being given